अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये आपका उर्दू का यूनिट है, उर्दू का पीरियड है। तो अपनी उर्दू की तस्वीरी कायदा निकालिए। सबसे पहले अपना उर्दू का तस्वीरी कायदा निकालिए और खोलिए सफा नंबर 38, 38 पेज नंबर 38 खोलिए। सफा नंबर 38 पर दिया गया है हुर्फ जे। हुर्फ जे हम इस तरह का पहले भी ऐसा ही हुर्फ पढ़ चुके हैं। आपको पता है ना, हमने पढ़ा था रे, फिर हमने पढ़ा था अड़े। रे खाली होता है और रे के ऊपर होती है छोटी टोए। आज हम पढ़ेंगे हुर्फ जे। तो ये है हुर्फ जे, इसके ऊपर आता है एक नुक्ता। और आपको पता है इसकी आवाज क्या होती है? इसकी आवाज होती है ज, ज, ज। ये है हुर्फ जे। ये सीधी लकीर बनाते हैं और एक तिरछी लकीर बनाते हैं, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाते हैं, बन जाता है हुर्फ जे। तो चलिए आइए आज हम हुर्फ जे की कहानी पढ़ते हैं। हुर्फ जे की कहानी मेरे साथ पढ़िए। एक दफा लोगों ने जेब्रे को पकड़ा और जंजीर से बांध दिया। कुछ देर के बाद वहां जर्राफा आ निकला। जर्राफे ने अपनी जबान से कीकर के पत्तों का मजा चखा, पत्ते तोड़कर जेब्रे को दिए। दोनों ने जोर लगाया और जंजीर तोड़ दी। फिर वो वापस अपने घर को चले गए। ये देखिए, ये है जेब्रा और ये है जर्राफा। ये कौन है? ये जेब्रा है। एक दिन जेब्रे को लोगों ने जंजीर से बांध दिया। जेब्रा जंजीर। और फिर कुछ देर के बाद वहां पे कौन आ गया? जर्राफा। ये है जर्राफा। जर्राफे ने अपनी जुबान से कीकर के पत्ते, ये देखिए, ये है कीकर का दरख्त, इसके पत्ते खाए जराफे ने। फिर उन दोनों ने पत्ते खाए, जराफे ने कीकर के पत्ते जेब्रे को भी तोड़ कर दिए। दोनों ने जोर लगाया तो जंजीर टूट गई। ये देखिए, दोनों ने जोर लगाया, जंजीर टूट गई। और फिर दोनों वहां से वापस अपने घर को चले गए। ये है जराफा, ये है जेब्रा, ये है इसके गले में जंजीर। दोनों ने जोर लगाया तो जंजीर टूट गई और फिर दोनों अपने घर को वापस चले गए। चलिए आइए अब हम जे की लिखाई करते हैं। आइए सफा नंबर 39 पे, यहाँ डालिए तारीख, दिन और CW। पढ़िए और लिखिए जे। ये क्या है? हुर्फ जे। आइए इसको लिखने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। यहाँ लाल नुक्ते पे से शुरू कीजिए, लाल निशान से शुरू कीजिए, एक सीधी लकीर बनाइए और एक तिरछी लकीर बनाइए, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाइए, बन गया जे। एक सीधी लकीर बनाइए, एक तिरछी लकीर बनाइए, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएं, बन गया जे। जे से जबान, जे से जबान, जे से जंजीर, जे से जंजीर, जे से जेब्रा, जे से जेब्रा, जे से जर्राफा, जे से जर्राफा। जे की आवाज क्या है? जे की आवाज है ज, जे। तो ये है हुर्फ जे। जरा फिर से पढ़िए। जबान, जंजीर, जेब्रा, जर्राफा, ये सब शुरू होते हैं हुर्फ जे से। और जे कैसे बनता है? जे बनता है, एक सीधी लकीर बनाओ, एक तिरछी लकीर बनाओ, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाओ, तो बन जाता है हुर्फ जे। अब जरा इधर आइए, अब हम ये पढ़ेंगे हुर्फ जे के गिर्द दायरा लगाइए। मुझे बताइए, क्या ये हुर्फ जे है? अरे नहीं। क्या ये हुर्फ जे है? नहीं, इसके ऊपर तो तीन नुक्ते हैं, ये तो हुर्फ जे नहीं है। क्या ये हुर्फ जे है? सीधी लकीर भी बनी है, तिरछी लकीर बनी है, उसके ऊपर एक नुक्ता है, हाँ ये तो हुर्फ जे है। तो इसके गिर्द दायरा लगा दीजिए। क्या ये हुर्फ जे है? हाँ, सीधी लकीर बनी है, तिरछी लकीर बनी है, उसके ऊपर एक नुक्ता लगा है, ये तो हुर्फ जे है। तो इसके गिर्द भी दायरा लगा दीजिए। क्या ये हुर्फ जे है? एक सीधी लकीर बनी है, एक तिरछी लकीर बनी है, ऊपर छोटी तोए लगी है। ये कौन सा हुर्फ है? ये हम हुर्फ पढ़ चुके हैं, ये है हुर्फ रे। क्या ये हुर्फ जे है? जी हाँ, सीधी लकीर, तिरछी लकीर और उसके ऊपर एक नुक्ता, हुर्फ जे।
तो हुर्ज़े के गिर्द दायरा लगाइए और अब आइए आप अपनी उर्दू की अमली किताब पर। ये है उर्दू की अमली किताब, तो इसे खोलिए और निकालिए। सफा नंबर 20 पर दिया गया है हुर्ज़े से शुरू होने वाली दुरुस्त तस्वीर में रंग भरें। ये है हुर्फ ज़े। सीधी लकीर बनी है, एक तिरछी लकीर बनी है और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा है, हुर्फ ज़े। चलिए आइए जरा हुर्फ ज़े की लिखाई कीजिए। हुर्फ ज़े, एक सीधी लकीर बनाओ, एक तिरछी लकीर बनाओ, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाओ, बन गया हुर्फ ज़े। अब मुझे बताइए कि ये क्या है। ये है जंजीर। जंजीर किससे शुरू होती है? जंजीर की शुरू की आवाज क्या है? ज़ा। तो ज़े से जंजीर, जंजीर में रंग भरेंगे हम। और ये क्या है? गाड़ी। गाड़ी की शुरू की आवाज क्या है? गाड़ी। गा, गा, गाड़ी। गा, गाड़ी तो गाव से शुरू होती है। क्या हम गाड़ी में रंग भरेंगे? जी नहीं, हम गाड़ी में रंग नहीं भरेंगे। ये क्या है? जर्राफा। जर्राफा, ज़े से जर्राफा। तो जराफे में रंग भरेंगे हम, क्योंकि ये शुरू होता है ज़े से। ज़े से जराफा, तो ज़े से जंजीर, ज़े से जराफा। हम भरेंगे रंग जंजीर में और जराफे में। अब आइए ज़े की लिखाई कीजिए। एक सीधी लकीर बनाओ, एक तिरछी लकीर बनाओ, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाओ, बन गया ज़े। एक सीधी लकीर बनाएं, एक तिरछी लकीर बनाएं, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएं, बन गया ज़े। एक सीधी लकीर बनाएं, एक तिरछी लकीर बनाएं, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएं, बन गया ज़े। एक सीधी लकीर बनाएं, एक तिरछी लकीर बनाएं, उसके ऊपर एक नुक्ता लगाएं, बन गया ज़े। ज़े से जंजीर, ज़े से जराफा। इस सफ़े को मुकम्मल कीजिए और इन दोनों तस्वीर में रंग भरिए।